आप यहाँ पे पहुँच जाइए, मैटर सॉर्ट आउट है, आप पहुँच जाइए, लोग ये लोग मिट्टी के लिए ले जाएंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग यहाँ से जाएंगे। नहीं होगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं ना, आप आइए ना, कुछ बवाल नहीं होगा। मधुबनी जिले के खरिहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसेरा गांव निवास मोहम्मद हलीम की सिरकटी लाश को बासुपट्टी बेनीपट्टी के मुख्य मार्ग पर रखकर ग्रामीणों ने रविवार को जाम रखा। सुबह करीब 10 बजे स्थानीय समाज सेवी शशांक शेखर ने फोन करके वरीय अधिकारी को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझा करके शांत कराया, फिर जाम को हटा लिया गया। उसके बाद शव को दफनाने जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे ही थे, तभी सूचना मिली कि मृतक की सिरकटी लाश घटना स्थल से कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे फेंका हुआ है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। हालांकि हत्यारे ने पहचान को छुपाने के लिए कटी सिर के दोनों आंख निकाल लिए थे, कान भी काट लिया गया था। इतना ही नहीं, सर के ऊपर से बाल भी नहीं थे। समाज सेवी शशांक ने कहा कि प्रशासन से संतोषजनक बात होने के बाद जाम को हटाया गया था। वहीं बासोपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। जिस बेरहमी से मोहम्मद हलीम की हत्या की गई, उसके बाद हत्यारे को पकड़ पाना पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो चुका है। आज यहाँ कसेरा में जो जाम लगा हुआ था, और जाम को आज दूसरे दिन आज इसको हटाया गया है, आपके द्वारा पहल किया गया है, क्या कुछ आश्वासन परिजन को मिला है? आश्वासन तो सबसे पहले ग्रामीणों ने दिया है, मैंने खुद भी बहुत सारा आश्वासन दिया, उसके बाद प्रशासन से मेरी बात हुई, शासन प्रशासन हम लोग के साथ में है, और उचित मुआवजा और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। प्रशासन से मेरी बात हुई, वरीय अधिकारी से भी मेरी बात हुई है, SP साहब से बात हुई है, कल DM साहब से भी बात हुई, सब लोगों ने बोला है कि जल्द से जल्द आप ये उनका कफन कब्रिस्तान भेजने का जो उनका प्रोसेस है, मिट्टी का जो प्रोसेस है, वो आप चालू कराइए कि हम लोग प्रशासनिक काम को आगे बढ़ाएं। इन सब चीज़ को लेकर ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया है, सब लोग समझे हैं, उसके बाद ये जाम हटाया गया है और ये लोग अब तत्पर हैं अपने आगे के काम करने के लिए, प्रशासन भी आगे तत्पर है। गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कहा गया प्रशासन की ओर से? प्रशासन हम लोगों के साथ में, कल मेरी बात SP साहब से हुई, DM साहब से, उसका डॉग स्क्वाड आया और तमाम टेक्निकल टीम जो होती है, सब लोग आए हैं और सब लोग साथ दे रहे हैं, उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि प्रशासन हम लोगों के साथ में नहीं है, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 72 घंटे के अंदर में ये लोग गिरफ्तारी करें, क्योंकि जनता उग्र है और हम लोगों के कहने के हिसाब से जनता मान गई है कि शांत है, और जल्द से जल्द अगर इस चीज़ की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जनता उग्र हो जाएगी, तो फिर भीड़ को संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी, घटना कोई दूसरा रंग ना ले ले। परिचय बताइए। मेरा नाम शशांक शेखर, यहीं ग्रामीण हूँ, समाज सेवी। अब तुम्हारा अगर इच्छा है कि अगर तुम बेटा हो, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही बोलोगे, अब कब तुम जाना चाहिए? 4 दिन टाइम हो गया है, बॉडी से भी लाश आ रहा है, मतलब 2 में से एक डिसीजन, तो फिर कब्र खुनवाओ, कब्र खुनवा के उनका मिट्टी वाला रस्म पूरा करो, आगे का प्रक्रिया हम लोग आगे देखेंगे, तत्काल के समय में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धरना प्रदर्शन किए हम लोग, कल डॉग स्क्वाड आया, सब चीज़ हो गया, अब आगे SP साहब से बात करते हैं एक बार, क्या बोलते हैं और उसके हिसाब से काम किया जाएगा आगे। तुम्हारे पिताजी मरे हैं, तुमको जगना ही, तुम्हारे साथ पूरा समाज जगा हुआ है। नहीं, जब ये पेटी बनवा रखे तो क्या बोलता है सब तैयार है उसके अंदर, मगर मैं मेरा तो नहीं मिला, बोला कि पैसे देगा तो कुछ तेरा सब से बात बोल रहा है। पैसा जो देगा ना, तो वीडियो से आप जो बताएं, तो पैसा वो तहत मतलब जो उसका सिस्टम के तहत पैसा मिलेगा। हम चल रहे हैं तुम्हारे 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 जाने के पहले, हम तुम्हारे घर पे बता देता कि पूरी कहाँ रखा हुआ है। मेरा अरेस्टिंग में भी हम लोग बासोपट्टी थाना बोल दिया, बासोपट्टी अरेस्टिंग के लिए ऊपर घूम रहा है। तो सुना ना, जब मेरा एक बात बता, आप लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, पुलिस को तो देख के वैसे जो है
लोग भड़कते रहता है, आप लोग शटआउट कराइएगा, शटआउट करा लीजिए, हम लोग को जो जैसे कहिएगा आप लोग साथ हाजिर है। आप यहाँ पे पहुँच जाइए, मैटर सॉर्ट आउट है, आप पहुँच जाइए, लोग ये लोग मिट्टी के लिए ले जाएंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग यहाँ से जाएंगे। नहीं होगा, उसका जिम्मेवारी हम लोग ले रहे हैं ना, आप आइए ना, कुछ नहीं, कुछ बवाल नहीं होगा। आप आइए ना, आप आइए, हम कहाँ कह रहे हैं पूरे दल बल के साथ आइए। आप ये है कि दो चार पुलिस वाले रहेंगे तो परिवार वाले को लगेगा जो कुछ हो रहा है। देखिए मर्डर हुआ है, लोग देखिए मर्डर हुआ है, किसी का ही परिवार का लोग एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा इतना बड़ा बड़ा हंगामा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा हंगामा हो जाता है तो जनता तो जनता ना है सर, आप तो जान रहे हैं, जनता जब चल देता है तो किसी के चाहने से नहीं रुकता है। तो हम लोग समझा, हम लोग बिल्कुल समझा रहे हैं जी। आप आ जाइए, मैटर पूरा सटीक रास्ते पे आप आ जाइए, सब लोग समझे बूझे हैं। लोग का यही कहना है कि 1 बजे तक आप लोग आ जाएंगे तो ये प्रक्रिया में लोग नमाज उमाज पढ़ के काम शुरू करेगा, लेट होने पे क्या लोग भी अग्रेसिव होने लगते हैं, और कुछ नहीं है, माहौल बना, आप लोग आ जाइए। बस उसके घरे पे और कहाँ पे? जी 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 वहीं पे आइए जी, घरे पे। बस हम लोग खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, आप आइए, उसके जवाब हम लोग जवाबदारी ले रहे हैं पूरी, आपकी बात पूरी जनता सुन रही है, हम लोग लाउड स्पीकर पे हैं, पूरा समाज आपके साथ में है, आप आइए, कुछ नहीं होगा। सब मिली कहाँ सर? जो मिल रहा जैसे हम लोग को यहाँ पे कभी स्थान पे लाश को जैसे लेके आए हैं डेड बॉडी को, तो जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ है ये जहाँ पे जो लाश डेड बॉडी था सिम्हा टोंग पे कि यहाँ पे रखा गया हुआ है, यहाँ से सब आदमी गए हैं तो जहाँ पे इसको नाना में जो फेंक दिया था मार के उसी का सामने में एक बर का पेड़ है, उसी पर आगे पे रखा हुआ था। कौन इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग को? एक मिराज नाम का लड़का था वहाँ का, भगवान पर का, बहुत सारा आदमी है वहाँ पे जमा था, सिम्हा टोंग पे था, घोचन नाम था सबका, नाम का है वो पहले देखा है। होचन नाम का है। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ।